हेलो गाइस, अभिमन टू एमईडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये ऑटोकैड से रिलेटेड सेकंड वीडियो है जिसमें कि मैं आपको एक बेसिक लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा, वो भी लाइन कमांड और पॉली लाइन का यूज करके, जिसमें कि ड्रॉ पैनल में बहुत सारे कमांड है, लाइन, पॉली लाइन, सर्कल, आर्क और बाकी ये भी लाइन, रेक्टेंगल और हैचिंग लाइन, इन सबको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं लाइन और पॉली लाइन से रिलेटेड आपको बताऊंगा और ये वीडियो है बेसिकली लाइन कमांड पर। लाइन कमांड के लिए आप कोई भी ड्राइंग लाइन से बना सकते हैं, क्योंकि सभी ड्राइंग जितनी भी होती है, 2D ड्राइंग है, वो सब लाइन से ही मिलकर बनी होती है। तो आप लाइन कमांड का यूज करके कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं जो कि सीधी सीधी लाइनों से बनी हो। जहां पर आर्क और सर्कल की जरूरत पड़ेगी वहां पर तो बेसिकली सर्कल का यूज करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं लाइन कमांड का यूज बताता हूँ। लाइन कमांड का यूज करने से पहले आपको यह समझना होगा, कोई भी ड्रॉइंग, ये एक आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन पर कुछ भी ड्रॉ करने के लिए आपको एक यूनिट पता होनी चाहिए कि आप कितने एमएम, कितने इंच, कितने फुट या कितने मीटर लंबी लाइन खींचना चाहते हैं। और दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि वो कितने डिग्री एंगल पर या स्ट्रेट या किस तरीके से आप उस लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट सेट करते हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन जो दिख रहा है, इस स्क्रीन पर हम यूनिट कैसे सेट करेंगे। यूनिट सेट करने का जो शॉर्टकट कमांड होता है UN, एंटर। देखिए UN जैसे मैंने टाइप किया तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो सबसे पहले UN यूनिट्स लिखा हुआ है, यूनिट्स पे जाने के बाद हमने UN जैसे टाइप किया तो ये यूनिट पे आ गया, और यूनिट को हम सेलेक्ट करने के बाद एंटर। कोई भी कमांड एक्टिवेट तभी होगा जब आप एंटर दबाएंगे, विदाउट एंटर कोई भी कमांड एक्टिवेट नहीं होगा ऑटोकैड में। तो UN एंटर, कोई भी कमांड, जैसे 2 mm लिखना है तो 2 एंटर, 4 लिखना है तो 4 एंटर, कुछ भी करेंगे उसमें आपको एंटर दबाना पड़ेगा। अब देखिए ये किस टाइप का यूनिट है। सबसे पहले टाइप ऑफ टाइप पूछ रहा है, ये डेसिमल में चाहिए आपको, इंजीनियरिंग में चाहिए या फिर आर्किटेक्चरल चाहिए। सबसे पहले आर्किटेक्चरल चाहिए, डेसिमल चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए या फिर इस तरीके से साइंटिफिक में चाहिए या फ्रैक्शनल चाहिए, आपको किस टाइप का आप यूनिट देना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल डेसिमल में दूंगा क्योंकि डेसिमल में ही इंजीनियरिंग चलती है। उसके बाद आपको प्रिसीजन कितने चाहिए, कितने पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाना चाहते हैं या कितने अंकों तक आपको एक्यूरेट चाहिए। तो मैं पॉइंट के बाद 0.00 दो अंकों तक ले रहा हूं। उसके बाद ये पूछा जा रहा है आपसे कि इंच में चाहिए या फिर मिलीमीटर में चाहिए, फुट में चाहिए, एमएम में चाहिए, किस तरीके का आपको चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं मिलीमीटर में, उसके बाद ओके प्रेस कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो है यूनिट सेट हो गया। यूनिट सेट करने के बाद हम आते हैं लाइन कमांड पर। लाइन कमांड को एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं। पहला, आप रेंडमली इस पर क्लिक कर दीजिए और स्क्रीन पर कहीं पे भी क्लिक करके आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल इस कमांड से बाहर आने के लिए मैंने आपको बताया था एस्केप, एंटर या स्पेस बार, कोई भी एक प्रेस करिए। तो मैं एस्केप प्रेस करके कमांड से बाहर आ गया। ये पहला कमांड था, पहला तरीका था जो कि लाइन कमांड में इंसर्ट करने के लिए लाइन पर क्लिक करके। दूसरा ऑप्शन है आपके पास एल एंटर करते ही आप कमांड में इंसर्ट कर जाएंगे। एल एंटर करते ही आप कमांड में एंटर कर जाएंगे और ये जो स्टेटस बार मैंने बताया था इसमें आपको दिखा रहा होगा कि जैसे ही आपने एल एंटर किया तो यहां पर लिख किया गया लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट पर आपने क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट आपने दे दिए। अब आपको सेकेंड पॉइंट बताना होगा कि आपको एक्स में जाना है, वाई में जाना है या किसी पर्टिकुलर एंगल पे जाना है, और कितने एंगल पे जाना है, कितने डिस्टेंस के साथ जाना है, वहां पर आप जाकर इसको क्लिक कर सकते हैं। तो एक लाइन बन गया। उसके बाद फिर दोबारा किया, ऐसे करके आप लाइन बना देंगे। फिलहाल आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो अपनी लाइन बन रही है कहीं पे भी आर्बिट्रेरी किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि आप वर्टिकल या हॉरिजेंटल दो ही तरीके से लाइन करें, या तो वर्टिकल करें या हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें। उसके लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले मैं एस्केप करके कमांड से बाहर आ रहा हूं। एस्केप करने के बाद ये आप देख रहे होंगे इस पे, ये ऑर्थो मोड इसको कहते हैं, ऑर्थो मोड। ये जहां पर माउस है मेरा, यहां पे ऑर्थो मोड, इसको जब आप क्लिक करके फिर से आप एल एंटर करके आप लाइन कमांड में अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि या तो ये एक्स डायरेक्शन में जाएगा या तो वाई डायरेक्शन में। पॉजिटिव निगेटिव आप कहीं पर भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके बाद आप जहां भी करेंगे ये केवल 90 डिग्री पर ही लाइन ड्रॉ होगी, कहीं पर भी आपको
टेढ़ी लाइन नहीं मिलेगी किसी एंगल पर। इससे इसका यूज तब करते हैं जब आपको केवल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। अब बात आती है कि एक पर्टिकुलर डायमेंशन के साथ लाइन कैसे ड्रॉ करें। पर्टिकुलर डायमेंशन के साथ लाइन ड्रॉ करने के लिए फिर से आप L एंटर करते हैं। L एंटर करने के बाद आपने सपोज करिए कि आपको राइट हैंड साइड में 10 mm जाना है, तो 10 नंबर टाइप कीजिए फिर एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे कि 10 mm राइट साइड में लाइन बन गई है। अब ये देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है वो स्क्रीन से बाहर चली गई है। अब इसको स्क्रीन पर कैसे लाएं? स्क्रीन पर लाने के लिए जो टॉप दिख रहा है व्यू क्यूब का, उस टॉप पे क्लिक करेंगे तो जो भी ड्राइंग बनी होगी वो आपके स्क्रीन पर सेट हो जाएगी। फिर हम मानते हैं कि 10 mm ऊपर साइड में जाना है, ऊपर की तरफ 10 जाना है, तो माउस का कर्सर आपको जिधर जाना है उस तरफ माउस करिए और 10 एंटर कर दीजिए। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ऊपर की तरफ हम 10 चले गए। फिर आपको मान लीजिए एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर बनाना है, फिर आप लेफ्ट साइड में मतलब वाई डायरेक्शन निगेटिव वाई में जाइए 10 mm, फिर एंटर कर दीजिए। फिर आपको डाउन मतलब वाई डाउन में जाकर 10 कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि एक रेक्टेंगल बन गया, सॉरी स्क्वायर बन गया एक। अब हम कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप न दबाकर इस बार हम एंटर दबाएंगे। इस तरीके से आप लाइन कमांड का यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ लाइन कमांड से रिलेटेड प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीजें लेकर आऊंगा, कुछ ड्राइंग लेकर आऊंगा जिसको आप डायमेंशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ नए कमांड जो लाइंस बहुत बड़ी टॉपिक है इसमें धीरे धीरे करके आपको बढ़ाएंगे। तो अगला वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो जब तक ना समझ में आए तब तक इसको एक या दो बार जरूर देखिए।